नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको उन कैटेगरीज यानी कि उन श्रेणियों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, यदि उनके तहत आपके बच्चों ने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई करी तो उन्हें या फिर तो फीस माफ होगी या फिर फीस में बहुत बड़ी छूट मिलेगी। जी हाँ, यदि आपके बच्चे इन कैटेगरीज में आते हैं और वह केंद्रीय विद्यालय में उनका दाखिला होने जा रहा है तो उन्हें या फिर तो फीस माफ होगी या फिर तो फीस में बहुत ज़्यादा छूट मिलेगी। लेकिन उससे पहले हम आप सभी से यह अपील करना चाहेंगे कि हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम बात करें उन कैटेगरीज की यानी कि उन श्रेणियों की। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हम केंद्रीय विद्यालय में फीस देते हैं तो केंद्रीय विद्यालय की फीस तीन भागों में विभाजित होती है। पहला भाग कहलाता है ट्यूशन फीस, दूसरा भाग कहलाता है कंप्यूटर फंड और तीसरा भाग कहलाता है VVN कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फंड और VVN कॉन्ट्रीब्यूशन। जब हम VVN कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, VVN का मतलब है विद्यालय विकास निधि, VVN विद्यालय विकास निधि, VVN कॉन्ट्रीब्यूशन। VVN कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में हम आपको कहना चाहेंगे कि VVN कॉन्ट्रीब्यूशन 500 रुपया होता है पर मंथ का जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। आप किसी भी कक्षा में हो, आपको VVN कॉन्ट्रीब्यूशन हर महीने 500 रुपया देना पड़ता है। तो अब हम शुरू करते हैं उन श्रेणियों यानी उन कैटेगरीज के बारे में आपको जानकारी देना। गर्ल्स स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू ट्वेल्थ, वे सारी बच्चियाँ जो केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लेंगी कक्षा पहली से बारहवीं में, सबसे पहले है उनका ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस बच्चियों की एग्जेम्प्टेड है, ट्यूशन फीस एग्जेम्प्टेड। कंप्यूटर फंड नो एग्जेम्पशन, कंप्यूटर फंड में कोई एग्जेम्पशन नहीं होता। VVN कॉन्ट्रीब्यूशन नो एग्जेम्पशन, VVN कॉन्ट्रीब्यूशन में भी एग्जेम्पशन नहीं होता। मतलब कि गर्ल स्टूडेंट्स कक्षा पहली से कक्षा बारहवीं तक जो होंगी उन्हें जो ट्यूशन फीस होगी वह नहीं देनी होगी। जो कंप्यूटर फंड होगा, कंप्यूटर फंड होता है तकरीबन पहली से आठवीं क्लास तक, तो यह पहली से मुझे कहना चाहिए तकरीबन दसवीं क्लास तक, यह 300 रुपये तीन महीने का होता है, यानी तकरीबन 100 रुपये एक महीने का होता है और ऊपर जाके यह 100 से 150 रुपये हो सकता है 11वीं 12वीं में। तो आपको सिर्फ कंप्यूटर फंड देना होगा और VVN कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा जो कि स्टैंडर्ड है 500 रुपया पर मंथ का। तो गर्ल स्टूडेंट्स को ट्यूशन फीस नहीं देनी, कंप्यूटर फंड देना है और VVN कॉन्ट्रीब्यूशन देना है। अब हम बात करते हैं SC ST स्टूडेंट्स को। SC ST स्टूडेंट्स जो होंगे, SC यानी कि अनुसूचित जाति, ST यानी अनुसूचित जनजाति के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें ट्यूशन फीस एग्जेम्प्टेड होगी, मतलब उन्हें किसी भी प्रकार की ट्यूशन फीस नहीं देनी केंद्रीय विद्यालय में। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर फंड का, तो कंप्यूटर फंड उन्हें देना है। कंप्यूटर फंड हम आपको बता चुके हैं कि 10वीं क्लास तक तो ये 100 रुपये के करीब है पर मंथ एक महीने का, और उसके बाद 100 से 150 रुपया 11वीं 12वीं कक्षाओं में देना होता है। और SC ST बच्चों को VVN कॉन्ट्रीब्यूशन भी देना होता है जो कि वह 500 रुपया पर मंथ। अब हम बात करेंगे चिल्ड्रन ऑफ KVS एम्प्लॉयज। चिल्ड्रन ऑफ KVS एम्प्लॉयज मतलब कि वह बच्चे जो केंद्रीय विद्यालय कर्मचारियों के बच्चे हैं, उन्हें फीस में क्या छूट मिलती है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि उन्हें भी ट्यूशन फीस में एग्जेम्पशन मिलती है, उन्हें ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ती। कंप्यूटर फंड में एग्जेम्पशन नहीं मिलती, कंप्यूटर फंड देना पड़ता है। और VVN कॉन्ट्रीब्यूशन यानी विद्यालय विकास निधि भी उन्हें देनी पड़ती है जो कि 500 रुपया पर मंथ होती है, सभी बच्चों को देनी होती है। अब हम बात करेंगे उन बच्चों की जो कि उन ऑफिसर्स के हैं या फिर उन लोगों के हैं जो कि आर्म्ड फोर्सेस में हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं,
जो कि 1962, 65, 71 या 99 में वीरगति को प्राप्त हुए या उन्हें किसी शारीरिक परेशानी ने घेर लिया, और वह बच्चे जो डिफेंस पर्सोनल के हैं जिन्हें इंडिया पीस कीपिंग फोर्स में श्रीलंका में, और आम पर्सोनल के बच्चे जिनके जो ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन विजय में जिन्होंने कारगिल में युद्ध लड़ा था, और वे हमारे शहीद, वे हमारे जवान जो वीरगति को प्राप्त हुए, उनके बच्चे या फिर वे जवान जिनके जिन्होंने किसी प्रकार की जिन्हें शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ा या किसी परेशानी से वे दिव्यांग हो गए, उनके जो बच्चे हैं उन्हें ट्यूशन फीस एग्जेम्प्टेड है, उन्हें ट्यूशन फीस नहीं देनी। जहाँ तक हम बात करते हैं कंप्यूटर फंड की, तो कंप्यूटर फंड देना पड़ेगा, और इन बच्चों को VVN कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि विद्यालय विकास निधि में भी एग्जेम्पशन है। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी, आर्म्ड फोर्सेस के वह जवान जो वीरगति को प्राप्त हुए, उनके बच्चे जिन्होंने 1962, 65, 71 या 99 में युद्ध लड़ा, या फिर डिफेंस पर्सोनल के वह बच्चे जो पीस कीपिंग फोर्स में श्रीलंका में गए या आर्म्ड फोर्सेस में ऑपरेशन मेघदूत का हिस्सा थे या सियाचन में थी, और जो ऑपरेशन विजय कारगिल में हिस्सा थे, वीरगति को प्राप्त हुए, उनके बच्चे, या फिर हमारे वह जवान जो हमने अभी आपको डिटेल दी है उनमें वह किसी उन्हें किसी फिजिकल हैंडीकैप का सामना करना पड़ा या फिर किसी भी प्रकार की शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ा, उनके बच्चों को ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ेगी, ट्यूशन फीस में एग्जेम्पशन होगा। हाँ, कंप्यूटर फंड उन्हें ज़रूर देना पड़ेगा, कंप्यूटर फंड में एग्जेम्पशन नहीं होगा, साथ ही साथ उन्हें VVN कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं देना पड़ेगा। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि कंसेशन मिलेगा एग्जेम्पशन में ट्यूशन फीस में उन बच्चों को जो कि बच्चे होंगे आर्म्ड फोर्सेस के और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के, जिनके माता पिता या फिर तो शहीद हुए होंगे या फिर मिसिंग डिक्लेयर हो गए होंगे या फिर परमानेंटली डिसेबल हो गए होंगे काउंटर इंसर्जेंसी के दौरान इंडिया में या अब्रॉड में, और उन बच्चों को इसका सर्टिफिकेट लाके देना होगा कंसर्न मिनिस्ट्री से। उन बच्चों के लिए ट्यूशन फीस भी एग्जेम्प्टेड है, कंप्यूटर फंड भी एग्जेम्प्टेड है, और VVN कॉन्ट्रीब्यूशन भी एग्जेम्प्टेड है, यानी कि उन बच्चों को बिल्कुल भी फीस नहीं देनी होगी। हम फिर से बताना चाहेंगे, वह बच्चे जो कि जिनके माता पिता आर्म्ड फोर्सेस में हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस में मतलब थे और वे वीरगति को प्राप्त हुए या मिसिंग डिक्लेयर हो गए या परमानेंटली डिसेबल हो गए एनी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन इंडिया और अब्रॉड, इन बच्चों को जब दाखिले के समय सर्टिफिकेट लाके देना होगा कंसर्न मिनिस्ट्री से। इन बच्चों की ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फंड और VVN कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जेम्प्टेड होगा। अब हम बात करेंगे उन बच्चों की जो कि EWS कैटेगरी के तहत आएंगे, बिलो पावर्टी लाइन कैटेगरी BPL जिसे हम कहते हैं बिलो पावर्टी लाइन, या EWS कैटेगरी के तहत आएंगे। इन बच्चों को ट्यूशन फीस में एग्जेम्पशन मिलता है, कम्प्लीटली एग्जेम्प्टेड होती है, इन्हें कंप्यूटर फंड देना पड़ता है, और VVN कॉन्ट्रीब्यूशन भी कम्प्लीटली एग्जेम्प्टेड होता है। यह बच्चे RTE यानी राइट टू एजुकेशन कैटेगरी का हिस्सा होते हैं। अब अगला कैटेगरी है उन बच्चों की जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जिन्हें हम दिव्यांग बच्चे बोलते हैं, उनके लिए ट्यूशन फीस एग्जेम्प्टेड है, कंप्यूटर फंड पे उन्हें एग्जेम्पशन नहीं मिलता, और VVN कॉन्ट्रीब्यूशन भी उनके लिए एग्जेम्प्टेड है। VVN कॉन्ट्रीब्यूशन हम बार बार आपको बता रहे हैं, 500 रुपया स्टैंडर्ड है, हर महीने देना है सभी बच्चों को। अब हम बात करेंगे उन गर्ल स्टूडेंट की जिनका एडमिशन 6ठी से 12वीं कक्षा में होगा, अपने माता पिता की इकलौती संतान होंगी, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत उनका एडमिशन होएगा, उनकी ट्यूशन फीस भी एग्जेम्प्टेड है, उनका उन बच्चियों का आपका VVN कॉन्ट्रीब्यूशन भी एग्जेम्प्टेड है, उन बच्चियों का कंप्यूटर फंड भी एग्जेम्प्टेड है, फीस बिल्कुल एग्जेम्प्टेड है उन बच्चियों के लिए 6ठी से 12वीं कक्षा तक जिनका सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत एडमिशन होगा। साथ ही एमरजेंसी असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स एग्जेम्पशन ऑफ VVN फॉर 1 एकेडमिक सेशन इज अलाउड। इमरजेंसी असिस्टेंस दे सकते हैं कुछ स्टूडेंट को केंद्रीय विद्यालय, जिसमें VVN कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है विद्यालय विकास निधि 1 साल के लिए माफ हो सकती है। साथ ही साथ नीचे एक नोट लिखा गया है, उसमें कुछ कैटेगरीज के बारे में यानी कुछ जानकारी थोड़ी और दी गई है। पहला पॉइंट बताया गया है कि एग्जेम्पशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फीस
mentioned above will not be allowed henceforth to the children of government employees, including Kendriya Vidyalaya Sangathan employees, as they are getting reimbursement from their departments. बहुत सा exemption है जिनके बारे में ऊपर बात करी है, वह उन लोगों को allowed नहीं होगी government employees को, जिसमें केंद्रीय विद्यालय संघ के employees भी आते हैं, क्योंकि उनके department से उन्हें बच्चों की fees के regarding reimbursement मिल रहा है. साथ ही केंद्रीय विद्यालय अंडर प्रोजेक्ट सेक्टर आर ऑथराइज टू इम्प्लीमेंट देयर ओन डिफरेंशियल फी स्ट्रक्चर. जो केंद्रीय विद्यालय, जैसे कि हम जानते हैं तीन प्रकार के होते हैं, उनमें से एक प्रकार प्रोजेक्ट स्कूल भी होता है, तो जो केंद्रीय विद्यालय प्रोजेक्ट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं वे अपना फी स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इन एडिशन प्रोविजन्स इनकॉर्पोरेटेड इन द आर्टिकल रिगार्डिंग पे एग्जेम्पशन विल बी एक्सटेंडेड हिदर थ्रू इनफोर्स. और यह भी कहा गया है कि जो केंद्रीय विद्यालय में फी एग्जेम्पशन है वह केंद्रीय विद्यालय जो प्रोजेक्ट स्कूल है उसमें अपनी मर्जी से वह रख सकते हैं. और कुछ और आर्टिकल्स के बारे में भी केंद्रीय विद्यालय ने जानकारी दी है. साथ ही साथ हम आपको यह भी कहना चाहेंगे कि हमने आपको जो जानकारी दी है केंद्रीय विद्यालय के बारे में, फी स्ट्रक्चर के बारे में, यह जानकारी हमने केंद्रीय विद्यालय वेबसाइट से ली है. केंद्रीय विद्यालय की जो अपनी वेबसाइट है उससे ली है. जब आप केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट खोलेंगे तो सबसे ऊपर कोने में तीन चार डंडियां होंगी, उस पर क्लिक करेंगे और एकेडमिक्स लिखा आएगा. एकेडमिक्स पे क्लिक करेंगे तो फी स्ट्रक्चर लिखा आएगा. फी स्ट्रक्चर में जाकर हमने ये जानकारी ली है और वह आपको दिखा रहे हैं. हम आप सभी से अपील करेंगे कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी को एक राय के तौर पे ले, एक एडवाइस के तौर पे ले, और इसकी पुष्टि ज़रूर करें केंद्रीय विद्यालय संघ की वेबसाइट से कोई फैसला लेने से पहले. हम आपको जानकारी देने के लिए अलग अलग वेबसाइट्स देखते हैं, केंद्रीय विद्यालय संघ की वेबसाइट देखते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तब हम आपके लिए जानकारी लेके आते हैं. लेकिन फिर भी हम बार बार आपसे यही बात कह रहे हैं कि हमारी जानकारी को एक राय के तौर पर लें और केंद्रीय विद्यालय संघ की वेबसाइट को देखकर या फिर केंद्रीय विद्यालय जाकर केंद्रीय विद्यालय के स्टाफ से मिलकर, टीचर से मिलकर खबर की पुष्टि के बाद ही कोई फैसला लें. उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से लाभ होगा और इसके बाद आपके मन में जो भी केंद्रीय विद्यालय की वह श्रेणियां जिन्हें फीस माफ़ होती है या फी में एग्जेम्पशन मिलती है उससे संबंधित जो शंकाएं थी उनका थोड़ा निवारण हो गया होगा. अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए. नमस्कार.